ओके जल्दी अच्छा चल 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 यहाँ पर एक्सीडेंट छोटा सा हो चुका है, बाइक लेकर गिर चुका है मेरा डैड क्योंकि यहाँ पर जब मिट्टी का। सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शालबोनी के जंगल में। ओ माय गुडनेस लुक एट द लाल मिट्टी, क्यों शांतिनिकेतन को बोला जाता है लाल मिट्टी का देश। माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। फ्रॉम अप हियर द वर्ल्ड सीम्स स्मॉल, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoor forever free. तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके होटल में रेस्ट लेकर। हम पूरा टीम, हम लोग पांच लोगों का टीम, हम लोग निकल रहे हैं। So, सब कुछ पैकअप में कब हो गया। पीटर देख सकते हो बैग भी ऑलरेडी मैंने फिट कर लिया। पुराना मैं सभी हम लोग अभी मूव ऑन है। यस यस वी आर गोइंग ऑन। सो अभी हम लोग हाँ हाँ सैंडल इट इज ऑफ द होटल होटल स्टाफ का है। तो चलिए अभी हम लोगों को जाना है। ओके गो 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 डाउन नीचे। ओके फाइन। तो दिस इज द एग्जैक्टली थिंग। तो यहाँ का होटल का एग्जैक्टली सीनरी बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज द कॉरिडोर ऑफ द होटल। चारों तरफ अभी लॉकडाउन का सीन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। लिफ्ट चला गया है, लेट अस वेट। ओके लॉकडाउन में टूरिस्ट हर रूम देखो, जस्ट इक्का दुक्का टूरिस्ट ही आ रहा है यहाँ पर। सो ये सामने यहाँ पर भी बैठ सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ पौधे लगा हुआ है। दिस इज ऑल द थिंग्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोगों को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद सुबह का तो आप लोगों को दिखाया मैंने। सुबह हम लोग का क्या था, सिर्फ चाय बिस्किट खाए, बट भूख जबरदस्त लगा क्योंकि नीचे चलो नीचे चलो। सो लिफ्ट लॉक्ड एंड ग्राउंड फ्लोर। चल भाई क्या हुआ। ओके एंड इट इज ग्राउंड फ्लोर। हम लोग अभी जाने वाले हैं। थोड़ा ना कैसा लगा कल का पूरा दिन। एकदम खतरनाक जर्नी। कितना टाइम अपने जर्नी किया। 17 घंटा लगा। 17 आवर्स। माय गॉड 17 आवर्स हम लोगों ने आज ओवरऑल जर्नी कल जर्नी किया था लाइफ में। ये सुबह हम लोग तो 3:30 बजे से। ओके बाइक को अभी थोड़ा सा हम लोग को ये पार्किंग का पूरा सीन है। पार्किंग का भी बहुत अच्छे खासा इस्तेमाल जगह है यहाँ पर। हम लोग बाइक लेकर आए थे। बाहर आने के बाद सब गाड़ी को पार्किंग से निकलने के बाद एक प्रॉब्लम हो चुका है। वो प्रॉब्लम है राणा भाई का जो बाइक का पिछले टायर, ये भाई साहब पूरा पंचर हो चुका है। एक्चुअली बाइक का कुछ कसूर नहीं, टायर का कुछ कसूर नहीं। कल इतना खतरनाक रास्ते से हम लोग आए थे, किसी का भी बाइक से ऐसा हो सकता था। तो अभी हम लोग का फर्स्ट जो जॉब है, काम है शांतिनिकेतन में घूमना नहीं है। सोनाझुरी और कौन सा जगह है, सोनाझुरी में जाएंगे, शालबोनी का जो जंगल है वो सब जगह पे जाएंगे, मारांगुरुंग का मंदिर देखेंगे, ये सब जगह पे हम लोग जाएंगे। जाने से पहले गाड़ी को पहले ठीक करना है। तो राणा जी थोड़ा सा अननेसेसरी अपसेट है बिकॉज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक ही चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट ये 5-10 मिनट का काम है। राणा जी का बाइक का दो प्रॉब्लम, एक बाइक प्रॉब्लम है तो माइलेज। बाई गॉड इस बाइक का 150 cc का बाइक का माइलेज दे रहा है, 60 cc बाइक का माइलेज दे रहा है। कितना, 30-35 जो सोचिए। एवरेजली 50 किलोमीटर तो देना ही चाहिए। बट बाइक बट गाड़ी का कुछ शायद ट्यूनिंग का कुछ इश्यू है, ट्यूनिंग का प्रॉब्लम, इसलिए माइलेज भी बहुत कम दे रहा है। सिर्फ 30,000 रुपये का तेल इसने डाला था। 300 किलोमीटर 300-322 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर का 1,000 लीटर का तेल ख़त्म। फिर से 500 का पेट्रोल डालना पड़ा। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम जैसे बोला ये पंचर हो चुका है। सो देखते हैं आगे का सीन कैसा है। अभी हम लोग होटल से डिपार्चर कर रहे हैं। सागर भाई सब बिल मिल
पकड़ के यहाँ पर ला रहे हैं। ओके गिव मी द बिल, ये है हम लोगों का बिल। चलो बिल के बारे में पिछली वीडियो होटल के वीडियो में मैंने दिखा दिया, उसको भी अभी मैं आइडिया ले लेना। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, आसमान को देखो बहुत ही ओवरकास्टेड है, पूरा बादल बादल छाया हुआ है। उसके बीच में हम लोग निकले हैं एक्सप्लोर करने, एक्सप्लोर करने। ये शांति निकेतन का जो जो साइट सीन है सभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, कोई इशू नहीं है। बट पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं चोराना भाई का बाइक को ठीक करने के लिए, का जो पंचर रिपेयर का काम एकदम सामने हम लोग को मिल गया था, बापी मोटरसाइकिल गैराज यहाँ पर। तो अभी चल रहा है यहाँ पर हवा हवा देने कुछ काम वाम चल रहा है, देख रहे हैं देख रहे हैं कहाँ पर लीक हुआ है। एक्चुअली ट्यूबलेस होने का एक फ़ायदा है, ज़्यादा टाइम नहीं, 5-10 मिनट के अंदर सब कुछ हो जा रहा है। खबर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सोना झुड़ी खुआई बंद, कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे फर्स्ट। ओके दोस्तों अभी हम लोग, चलो अभी हम लोग जा रहे हैं शांति निकेतन का जो सभी अट्रैक्शन है उस पर भी एक बहुत ही खास अट्रैक्शन है सोना झुड़ी खुआई बोन, एक बहुत ही फेमस जगह है। ओके टूरिस्ट लोग आकर वहाँ पर जाते हैं, पूरा जो खाना जबरदस्त वहाँ पर मिलता है वहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। और एक चीज़ पूरा हो रहा है भाई, बहुत ही जस्ट लाइक बादल चारों तरफ देखो। हे माता जी, हे काली माता, आपके लिए ही घूम रहा हूँ। आज माता जी का कोर्स कंप्लीट हो गया है, आज थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब थिंग इज दैट सोना झुड़ी जाएंगे, खाना पीना पियेंगे, सोना झुड़ी का पूरा एक्सप्लोर करेंगे, वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। तो चलिए सोना झुड़ी पहुँचते हैं दोस्तों। ये है एकदम शांति निकेतन का जो मेन रोड, बोलपुर शांति निकेतन का मेन रोड। टूरिस्ट जो आता है इधर पे आके जिस तरह शॉपिंग करता है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही हैंडक्राफ्ट का दुकान भी बहुत सारे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत से एक माहौल है शांति निकेतन का। ये देखो ये सभी जो दुकान है, जो यहाँ का जो लोकल हैंडमेड जो चीज़ है शांति निकेतन से लोग खरीदते हैं, इसको क्या होता है बाटिक बुटीक क्या बोलते हैं समथिंग कुछ बोलते हैं, इसका प्रिंट है थोड़ा सा अलग से नाम है। ये सब चीज़ लेकर लोग यहाँ से जाते हैं। ये देखो लुक एट द सीन, ये सब दुकान है, ये सभी दुकान है शांति निकेतन का। अगर शांति निकेतन पहले आप आए हो तो आपको तो पता ही है, नहीं आए तो देख लो ये सब जगह है। बट हम लोगों को कुछ खरीदने का नहीं है, ये मेनली गर्ल्स डू द परचेसिंग एंड ऑल दिस थिंग, लड़कियों का बहुत चीज़ है यहाँ पर खरीदने के लिए। सभी देखो शॉप यहाँ पर, देखो कितना भीड़ लगा हुआ। ये SBI है, ये भी दिखा देता हूँ आपको, तो पैसा लगेगा तो SBI से पिकअप कर सकते हो। ये देखो ये है शांति निकेतन का पूरा सीन, एक अलग सा माहौल है जो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। ये है शांति निकेतन जिसको बोला जाता है लाल मिट्टी का देश। Like a bird on a tree I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoor. So, दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शालबुनी के जंगल में। ओ माई गुडनेस, लुक एट द लाल मिट्टी। क्यों शांति निकेतन को बोला जाता है लाल मिट्टी का देश? माई गॉड, वॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस, वॉट अ ब्यूटिफुल, जस्ट लुक एट द सीन, कितना खूबसूरत है भाई राना, कितना खूबसूरत। चारों तरफ देखो छोटे छोटे लोकल लोग, लोकल ट्राइबल्स, सुबह जो यहाँ पर जा रहे हो उसको ही फॉलो करो क्योंकि उन लोगों को पता है जाता। ये देखो राम श्याम, ये बहुत ही एक फेमस रेस्टोरेंट है, राम श्याम विलेज रिसोर्ट, यहाँ पर मैंने खाया था। ये शांति निकेतन का लोकल लोग यहाँ पर देखो, जहाँ पर छोटा छोटा दुकान है बट टूरिस्टों के लिए एकदम अच्छा खासा अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर है। ओके ये है बाइक के पार्किंग। तो फाइनली सोना झुड़ी का जंगल, अरे इसको एग्जैक्टली क्या बोला जाता है, शालबुनी का जंगल, सोना झुड़ी का जंगल, सोना झुड़ी यही तो शालबुनी है, जो शालबुनी का जंगल है वही सोना झुड़ी है। ओके यहाँ पर एक्सीडेंट छोटा सा हो चुका है, बाइक लेकर गिर चुका है मेरा
दैट क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का स्कीड हो चुका है गाड़ी घुमाने के चक्कर में स्कीड हो चुका है. ठीक है ओके एवरीवन इज फिट. माय बाइक इज ओके. माय फादर इज ओके. एवरीथिंग इज ओके. इट इज आल्सो पार्ट ऑफ जर्नी बट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ व्लॉग. एक्सीडेंट भी एक्सीडेंट भी पार्ट ऑफ व्लॉग है. तो ये है रामसैम विलेज. तो यहाँ पर एक बार मैंने सागर रिमेम्बर लास्ट टाइम यहाँ पर आके खाए थे कितना टेस्ट था भाई. गॉड सोनाझुरी बोल जाए रेस्टोरेंट का नाम सोनाझुरी. नो रेस्टोरेंट का नाम सोनाझुरी नहीं है. ओके इस पेड़ का सब नाम है सोनाझुरी. ओके और शालबुनी का जंगल कहाँ पर. शालबुनी यही तो शालबुनी का जंगल है. सोनाझुरी तो हाँ यही तो शालबुनी का जंगल है. ओके बिकॉज सोनाझुरी जंगल. ओके नाम जो भी नाम से क्या है एंड ऑफ द डे द थिंग इज दैट द प्लेस. चलो आपको थोड़ा सा सीन दिखा दो. बच्चे खेल रहे चारों तरफ जंगल के बीच में. सोना राना जंगल के बीच में खाना दाना इस रिसोर्ट में रहना अलग से सुपर एक्सपीरियंस है. यहाँ पर अगर पिक टाइम में आओगे यहाँ पर बहुत बाउल जो लोकल फोक कल्चर है बहुत बाउल को देखोगे यहाँ पर बैठ कर वो लोग फोक म्यूजिक बाउल जिसको बोला जाता है बहुत ही फेमस बंगाली फोक म्यूजिक उसको बजाते हैं. एक अलग सा माहौल है. तो चलिए थोड़ा सा जगह को एक्सप्लोर करो देखो सीन देखो उसके बाद सीन क्या होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. तो अभी हम लोग सोनाझुरी जंगल को एक्सप्लोर करने की इधर उधर जा रहे हैं. देखो कितना छोटा सा प्यारा सा एक नदी. ये नदी नहीं ये स्ट्रीम है. कहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं पर देखो एकदम अलग सा माहौल है. जंगल जंगल का बीच में एक छोटा सा एक ब्रुक. ब्रुक का मतलब जो छोटे जो पानी का जो धारा है. और ये सब रिसोर्ट्स है यहाँ पर भी रह सकते हो बट ये बहुत ही ज़्यादा ब्रुक पानी का बहाव. तो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर. एक्चुअली सीजन में आओगे ना सागर आपको यहाँ पर बहुत बाउल जो आर्टिस्ट है आपको मिल जाएगा. तो ये रिसोर्ट देखो ये पूरा एकदम शांतिनिक इसका नाम है बोनो बितान. शांतिनिकेतन का पूरा सीन आपको देख सकते हो. यहाँ पर काम भी चल रहा है. ये सब रिसोर्ट है. एक अलग सा गांव का जगह है ये सब जगह है. शकुंतला ऊपर पे देखो बैठेगा नहीं है. अच्छा यहाँ पर देखो सब यहाँ पर रेड शर्ट है देखो यहाँ पर रेड शर्ट भी दिया है. अगर देखो पूरा रेड शर्ट आपको दिखाई दे रहा है पता नहीं क्या आपको दिख रहा है. यहाँ पर देखो पूरा रेड शर्ट लिखा देखो घर मांस दो पीस 200 170 इलिश प्लेट रसगुल्ला सब कुछ देखो यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते में नहीं बिट ऑफ एक्सपेंसिव है आपको मिल जाएगी. ये सब होटल का पूरा सीन है. तो देखो दोस्तों ये है शांतिनिकेतन का वन ऑफ द शांतिनिकेतन मेन अट्रैक्शन भाई विश्व भारती. यहाँ का म्यूजियम रविंद्रनाथ टैगोर का जो म्यूजियम है उसका इस्तेमाल किया चीज़ सब कुछ यहाँ पर है. बट उसके बाद का जो चीज़ आता है ये जंगल बट लॉकडाउन पीरियड में ऑलमोस्ट वो सब बंद है. तो आपको यहाँ पर ही आना होगा शांत एनवायरनमेंट पे आपको यहाँ पर आकर एंजॉय करना होगा. बाकी दुखिए सो राणा जी हम सभी मिलकर अब जा रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए. ब्रेकफास्ट टाइम और बाहर टिप टिप बारिश पड़ रहा है. देखो ये है सोनाझुरी का जंगल सामने हम लोग ये है हम लोग का ब्रेकफास्ट करने के जगह. वाओ इन वन वर्ड दाना द प्लेसेस जस्ट वाओ मैन. ओके ये देखो यहाँ से आप खड़े होकर यहाँ पर बैठकर आप ये पूरा सीन देखते हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं. अभी थोड़ा सा ऑर्डर देने का टाइम है देखते हैं मेनू में क्या क्या है उसके बाद ऑर्डर देके आपको दिखाना है क्या सीन है. यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से बैल्कनी टाइप है ऊपर आने का जगह. यहाँ पर देखो यहाँ पर पेड़ पौधे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन. सागर देखो सीन देखो पूरा सामने यहाँ पर रहने की भी जगह अगर आप रहना चाहते हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जगह चाहते हो यहाँ पर भी आकर रह सकते हो. पूरा देखो पीछे पूरा गाँव है. यहाँ पर कार पार्किंग है. ये सब होटल्स है मिट्टी का बनाया हुआ रूम होटल्स है बट सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगा. वहाँ देखो जस्ट लाइक कार्ट छोटे छोटे कॉटेज भी इस कॉटेज में भी ये लोग रेंट देते हैं. इस छोटे छोटे जो कॉटेज है बहुत प्यारे छोटे कॉटेज है. ये खाने का जगह है. चलो भूख जबरदस्त लगा है कल जल्दी जल्दी खाकर सो गया था. नाउ अभी थोड़ा खाने पीने के बाद थोड़ा देखते हैं. ओके यहाँ पर भी मेनू लिखा हुआ है. अच्छा सेम मेनू नीचे जो लिखा हुआ था वही ऊपर है.